हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज लगभग 10 से 12 दिन बाद हम निकलेंगे रेलवे के ड्यूटी पे। मतलब बहुत दिन से वेट 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 हो रहा था, इधर मैं रूम पे पड़ा रह रहा था, लेकिन अभी जाना पड़ेगा ट्रेन चलाने जो भी करने। तो मैं सुबह सुबह जगा हूँ, तो रूल ये है कि आप अगर सिक से निकलते हो या लीव से आते हो तो आप फर्स्ट आउट रहते हो। लेकिन मैंने कल थोड़ा सा लेट मेमो जमा किया था, तो इसके वजह से शायद वो वहाँ पे नहीं हो पाया। तो अभी मैं खुद कॉल करके बोलूँगा कि भाई मैं फिट हो चुका हूँ, देख लो फिट मेमो जमा हो चुका है तो अब ड्यूटी लगा दो, शायद वो लोग लगा दें। तो अभी मैं सुबह सुबह जगा, मुझे पता ही था कि ड्यूटी लगने वाला है। नहा धो लिए और बैग मेरा ऐसे फेंका हुआ है जैसे जैसे बच्चों का यूज हुआ हुआ हगीज मतलब कि कोई ज़रूरत नहीं उसको, कचड़े में डाल दो, ऐसे फेंका हुआ, उसमें कुछ कुछ आलतू फालतू पड़ा हुआ है। सबसे पहले बैग ठीक करेंगे, लॉबी में कॉल करेंगे, उसके बाद देखते हैं कब तक ड्यूटी आता है। तो अभी पहले चलते हैं बैग ठीक करने, उसके बाद पहले कॉल ही कर लेते हैं, पहले कॉल कर लेते हैं। तो अपन डायल केला नंबर सत्या व्यस्त है, कृपया नंदर डायल केला, मतलब व्यस्त है, करेंगे आराम से, अभी बैग ठीक कर लेते हैं पहले। तो भाई सब ये है मेरा बैग जिसके ऊपर 500 कपड़े फेंके हुए हैं, इसको पैक करके इसका हालत ठीक कर लेंगे। ये मेरा है और उधर वो पड़ा हुआ है, इसको ठीक। हाँ भाई, राजीव बात कर रहा हूँ, ALP। हेलो राजीव बात कर रहा हूँ, ALP। हाँ राजीव राज, हाँ बोल रहा था कि मैं सीख पे मतलब IOD में था, तो अभी वो नॉन रन से हटा नहीं है, मैंने कल फिट में वो जमा कर दिया है, तो ड्यूटी लगा देना, आज सीक ऑफ है मेरा। हाँ आज सीक ऑफ, हाँ हाँ कल जमा किया था। ओके ठीक भाई, तो बोल दिया है उसने, बोला ठीक है बोल देता, लगा देता ड्यूटी, तो अच्छी बात है, देखते हैं कब तक लगता है। लगने के बाद बैग भी ठीक कर लिया, सब चीज़ कर लिया है, और आज बहुत दिनों बाद जाएंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है यार कुछ कुछ भूल गया हूँ, क्या हुआ है पता नहीं। जाते हैं फिर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद अपने प्यार मोहब्बत से मिलने जाते हैं, वैसे नर्वस ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा बात है, हम एक्सपर्ट आदमी हैं। तो मिलते हैं तुम लोगों से अब जब लॉबी का कॉल बजता है तो। सेम लोड पूर्णा से निजामाबाद 16:30 लोको पायलट BK प्रसाद, ठीक है राइट आ जाएंगे ठीक। तो भाई साहब सुन तो लिया ही होगा कहाँ जा रहा हूँ मैं, तो अभी फाइनली 4:30 बजे का मेरा साइन ऑन है और DCN रोड निजामाबाद, बहुत दिनों बाद 5-स्टार होटल में जाना है। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि निजामाबाद का रनिंग वो बहुत ही शानदार है, तो यहाँ से 4 बजे चलेंगे, पहुँचेंगे कभी पता नहीं है। और बहुत प्यारा नींद आया हुआ था, मैं सपनों में खोया हुआ था, एकदम प्यारा सपना मैं, लेकिन कोई बात नहीं ड्यूटी तो जाना है। अब जल्दी जल्दी टिफिन वगैरह धोना है और खाना भी बनाना पड़ेगा, तो अभी खा के सोए थे 2 बजे और फिर से खाना बनाना पड़ेगा, तो कर रहे हैं। और सपना तोड़ दिया, भाई ने बोला कि थोड़ा सा लेट हो गया, 15 मिनट ट्रेन में, मतलब 1:45 मिनट मिला ट्रेन मुझे, तो भाई ने बोला अरे 15 मिनट लेट है। मैं बोला ठीक है यार, कभी कभी आप लोग एडजस्ट करो, कभी कभी हम लोग एडजस्ट करेंगे, तो भाई खुश हो गया, बोला हाँ भाई ठीक है चलता है, इतना तो चलता है, तो ठीक है रेडी होने के बाद मिलते हैं तुम लोगों से। तो मैं सब अभी चावल बचा हुआ है दोपहर वाला और इनफ है, तो मैं सोच रहा हूँ इसी को फ्राई करके पैक कर लेता हूँ, क्योंकि 2 बजे बनाया था, तो इतना जल्दी तो ख़राब नहीं होगा। और रनिंग रूम का खाना खाया हुआ बहुत दिन हो गया है, क्योंकि औरंगाबाद में रनिंग रूम में खाना मिलता नहीं है, और निजामाबाद में कितना ही बजे जाओ 2 बजे 12 बजे तो मिल जाएगा।
पैक कर देगा, क्योंकि मेरा सारा बैग का सामान इधर उधर फेंका हुआ है, टॉर्च कहीं और, सब चीज़ कहीं और। तो बैग पैक करना स्टार्ट करते हैं। तो यही होता है जब बहुत दिन ड्यूटी ना जाओ और बहुत दिनों के बाद जाना स्टार्ट करो। तो इसको कब से ढूंढ रहा हूँ, मतलब कब से लिटरली, अभी मिला लगभग 5 मिनट से। और ड्यूटी में रनिंग रूम में पहनने वाले कपड़े इधर उधर सारे पड़े हुए हैं, सबसे पहले उसको खोजेंगे। और इसके बीच में भी आ गया लॉबी का कॉल। हेलो, हाँ बोलिए। फुटबैक कर दिया क्या? तो जैसा कि अभी लॉबी से कॉल आया और मेरा TN हो गया है 5 बजे। और एक चीज़ अच्छा है, 3-5 बजे होने का फ़ायदा है मुझे, क्योंकि अभी हो रहा है बारिश। ले बंद भी हो गया, तो ये मेरा घाटा हो गया, क्योंकि मैं जब निकलूँगा तो बारिश तेज़ होगा, कन्फर्म है। तो मैंने जल्दी जल्दी सब चीज़ किया और आधे घंटे TN फुटबैक। तो ठीक है, 5 बजे जाएंगे और 5 बजे से 8 घंटे जोड़ लो, कब तक पहुँचेंगे, 2 या 3 बजे रात में। तो ठीक है, 1 घंटे सो भी लिया हूँ, तो अब आधे घंटे और वेट करना पड़ेगा। सब ये है हमारा रेन कोट, और जिसको पैक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो लोग रेगुलर जानते होंगे वो लोग मेरे साथ, तो इंद्रदेव का 36 का नहीं 39-40 का आंकड़ा चलता है जब भी मैं बाहर निकलता हूँ। तो इसको बारिश आना ही है, तो इसको भी रख लेते हैं। सब थोड़े टाइम पहले बारिश हो रहा था और अभी धूप आ गया है, तो 3 फुटबैक होने का रियली में फ़ायदा हो गया है मुझे। तो बस अभी निकल रहे हैं 15 मिनट पहले, और अभी यहाँ से सीधा जाएंगे लॉबी, साइन ऑन करेंगे और दिखाते हैं स्टेशन का क्या हाल है। बारिश में तो पता ही है क्या हाल हो जाता है। पहुँचते हैं स्टेशन पे। तो भाई साहब, ये जो गाड़ी खड़ा है वो PBTPN है, इसमें जाता है पेट्रोल, पानी या दूध। तो अभी इसमें लिखा तो हुआ है पेट्रोल, तो ये शायद है पेट्रोल। हेलो, क्या हाल है? तो भाई साहब आ गए हैं पूर्णा, और साइन ऑन टाइम से बस 2 मिनट पहले हैं। तो चलो जल्दी जल्दी जाके अब साइन ऑन करेंगे और गाड़ी का चार्ज देंगे। तुम लोगों से मिलते हैं निज़ामाबाद पहुंचने के बाद, बीच में रिलीवर आता है क्या होता है वो देखने के बाद, और अभी तक गाड़ी तो आया नहीं है, उस टाइम में आ जाएगा, देखते हैं। अभी तुम लोग देखो बॉक्स अनलोड। ऑर्डर सीसी BCN नहीं आया अभी तक। 17 बजे गाड़ी। मैंने क्या बोला था कि मैं मिलूंगा तुम लोगों से निजामाबाद में, और पता है मैं कहाँ हूँ? पूर्णा से 1 स्टेशन आगे चुड़ावा में। तो 6 घंटे बाद वहाँ से हम लोगों का गाड़ी स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आए। यहाँ पे हम लोगों का रिलीवर आ चुका है, और यहाँ से बस एक स्पेशल गाड़ी है, उसमें पायलट जाएंगे, पूर्णा ऑफ करेंगे और रूम पे जाके सो जाएंगे। चलो अभी गाड़ी का वेट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ से बस पायलट। तो काम ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट 7 घंटे में, लेकिन बस ओनली 1 स्टेशन आ पाए हैं 7 घंटे में। मिलते हैं पायलट जाते टाइम, अभी तो वेट ही। तो भाई सब यहाँ से अजंता एक्सप्रेस, जिसमें कि हम लोग पायलट जा रहे हैं, और बगल में लोको पायलट साहब खड़े हैं, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। तो अभी देख लो टाइम कितना हो रहा है, इतने बजे स्टेशन पे पहुँचे, ऑफ किए और अब निकल रहे हैं चाय पी के, क्योंकि चाय हमारा पहला लव है। अब मैं आया हूँ रात के 2:30 बजे पूर्णा, और आज कांड हो गया है। मतलब लोको ऐसा था कि उसका जितना मैक्सिमम कैपेसिटी होता है लोड का, उतना मैक्सिमम कैपेसिटी हम लोग लेके घूम रहे थे। मतलब 3400 के आसपास लोड था, और WDG 4 था, 4 ही था, और सिंगल लोको था।
मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं होता है घोड़ा उसके ऊपर बहुत मोटा आदमी बैठ जाए तो उसे चला नहीं जाता, तो वैसे ही हमारा आज लोको चल रहा था। लेकिन अच्छा बात ये था कि एक ही स्टेशन आ गए हम लोग, उसके बाद हमारा रिलीवर आ गया तो वापस आ गया। तो अभी मैं साइन अप वगैरह कर चुका हूँ, और एक बात पता है कि काम तो मैंने आधे घंटे ही किया हुआ है, लेकिन फिर भी फील ऐसा आ रहा है कि बहुत काम किया हुआ है। क्योंकि एक बार साइन ऑन करूँ ना तो माइंड में ऐसा आने लगता है कि हाँ ऑन ड्यूटी तो किया था, ऑन ड्यूटी तो किया था ना, तो ऐसा लग रहा है कि 9 घंटे का ड्यूटी का थकान हो गया है, जिसमें काम तो 1 ही घंटे हुआ है। रूम पे आके बैग में सीख दिया और अब बस आंखों में नींद दिख रहा है। और नीचे विवेक को गेट खोलने बुलाना पड़ा, जनरली अपने रूम का गेट खुलवाने के लिए बस जगाते हैं। तो अभी कुछ लोग नए लोग आए हुए हैं रूम में जिनको गेट बंद करने नहीं आता है, क्योंकि हम लोग ऐसा बंद करते हैं कि उधर से भी खुल जाता है इधर से भी खुल जाता है। तो जो लोग आए हुए हैं साले छोटी बच्ची हो गया भाई, मैं बस इसको चेंज करूँगा यूनिफॉर्म को, और उसके बाद बस आँखों में नींद, सो जाना है और कुछ नहीं करना। तो बस तुम लोगों से मिलेंगे सुबह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर ही दो।